आम्हाला खूप मजा येत, मला खूप मजा येते. मेरे लिए हमेशा यही मैटर करा है कि मेरी कहानियां लोगों तक पहुंचे, वो किस माध्यम से पहुंचती हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता. 190 देश, बिलीव ही नहीं होता. आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी रिलीज है. इसको इसको मैं छोटा गुंडा बोलता हूँ, ये छोटा सा गुंडा है. वो जो आपने देखा है ना, उसमें आदिति ने ये भी बोला था कि पिक्चर खत्म होने से पहले दोनों को अलग नहीं कर दिया, तो मेरा नाम भी आदिति नहीं. आम्हाला भेटला लोकमत फिल्मी वार. आम्हाला भेटा लोकमत फिल्मी वार लवकरच. मी चित्राली सोगले आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे लोकमत फिल्मीवर. आज असे दोन चेहरे जे आपले खूप लाडके आहेत आणि आता नुकताच त्यांचा सिनेमा भेटीला आलाय 14 फेरे. आणि माझ्यासोबत आहेत विक्रांत मेसी आणि कृती खरबंदा. कृती, विक्रांत, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं लोकमत फिल्मीवर. थँक्यू, धन्यवाद. सुरुवातीला आमच्या प्रेक्षकांना मराठीमध्ये तुम्हाला या इंटरव्ह्यू बद्दल काय वाटतंय सांगा, की आम्हाला खूप मजा येते. मजा तो बहुत आएगा. आम्हाला खूप मजा येते बोलूया का आपण? आम्हाला खूप मजा येत. कृती, दोबारा बोल दो. आम्हाला खूप मजा येते. मजा येते. आम्हाला खूप मजा येते. मुझे बहुत मजा आहे. येस, मी विक्रांत आणि कृतीला मराठी बोलायला लावलंय, सो अजून त्रास देत नाही. तो आपका स्वागत तो है, वेलकम. और 14 फेरे फाइनली रिलीज हो गई है. संजय और अदिति का जो भी सफर रहा है, हमने बहुत मतलब बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब से ट्रेलर आया, गाने रिलीज हुए और उसके बाद अभी फाइनली मूवी आ गया है और वी वर इक्वली एक्साइटेड अबाउट द मूवी. आपको कैसे लग रहा है कि फाइनली ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गया है, फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स टू ऑन स्क्रीन, कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग एवरी टाइम आई थिंक एक पिक्चर रिलीज होती है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि वो एक फ्राइडे पे आ रही है, लेकिन आपने काफी सालों की मेहनत या काफी महीनों की मेहनत करी है उसको इस मुकाम पर लाने के लिए. शूटिंग में तो बहुत ही मजा आया, लेकिन आज जो फीलिंग हो रही है ना कि बहुत टाइम बाद ऐसे लग रहा है कि एक मजेदार पिक्चर आई है और वो आपकी है, तो उससे बेटर फीलिंग कोई नहीं हो सकती. जी बिल्कुल बिल्कुल. इतने महीनों का, इनफैक्ट हमारे विषय में तो ये सालों की मेहनत है. ये मनोज कलवानी द्वारा लिखी गई है ये कहानी. ये लगभग आप समझ लीजिए 2017 से ये कहानी लिखी जा रही है और आज फाइनली जब ये लोगों तक पहुंची है तो काफी खुशी है इस चीज की, और लोग देख रहे हैं उसे पसंद भी कर रहे हैं तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है. तो उम्मीद है कि और भी लोग देखें और इसे पसंद करें. आई एम श्योर अभी तो फिल्म आई है, शुरू हो गई है, मतलब हर जगह दिख रही है. बेस्ट थिंग इट इज कम, मतलब ओटीटी पे आई है, मतलब डिजिटली रिलीज हुई है, तो जो रीच है हम फिलहाल जो हम लोग जिस टाइम्स में जी रहे हैं, जो एरा में जी रहे हैं, तो ओटीटी इज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, तो वहां पे आ रही है, तो वो फील कैसा है? ये फ्राइडे अलग है क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस वाला फ्राइडे नहीं है, ये ओटीटी वाला फ्राइडे है, तो वो फीलिंग कैसी है विक्रांत? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है. मेरे लिए हमेशा यही मैटर करा है कि मेरी कहानियां लोगों तक पहुंचे, वो किस माध्यम से पहुंचती हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता. लेकिन एज सिनेमा लवर हम चाहते हैं कि सिनेमा घर जल्दी खुले ताकि हम सब अपने परिवार वालों के साथ जाके एक पॉपकॉर्न का टब उठा के कोई अच्छी फिल्म देखें. लेकिन काफी खुशी है इस चीज की. और ओटीटी के साथ साथ एक ये बहुत अच्छी चीज होती है कि बहुत सारे देशों में एक ही समय पे आप अपनी कहानी लेके जा पाते हैं. तो Z5 के साथ हम लगभग 190 देशों में अभी हमारी फिल्म दिखा रहे हैं, तो काफी काफी खुशी है इस चीज की. ऑफ कोर्स, मतलब 190 देश, बिलीव ही नहीं होता. आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी रिलीज है. आई वुड लुक इट दैट वे. हाँ, ऑफ कोर्स पॉपकॉर्न का मजा उठाएंगे, लेकिन इस बार घर पे बैठ के. लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आई थिंक जब मैं तो एटलीस्ट काफी नाउम्मीद हो गई थी जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, खुद को समझ ही नहीं आ रहा था कि काम पर कब दोबारा जाएंगे, हमारा काम लोग कब देखेंगे दोबारा. बट जब तैश रिलीज हुई और मुझे जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले
एंड द थिंग इज वो अभी तक मिल रहे हैं क्योंकि वो अवेलेबल है प्रोडक्ट लोगों को देखने के लिए. सो आई लव द आइडिया कि हमें ना शोज के लिए लड़ना पड़ रहा है ना कुछ. लोग अपनी दिन में से 2 घंटे निकाल के हमारी मूवी देखें, उनको इससे खुशी मिल रही है. 190 देशों में लोगों को खुशी मिल रही है इस मूवी को देखकर. रिस्पॉन्सेज इतने बड़े हो गए हैं, सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी के वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं. आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्सेज पता चल रहे हैं लोगों के. आई थिंक बहुत ही सरियल फीलिंग है ये, जस्ट द आइडिया. बट एज अ नॉर्मल सिनेमा लवर, जस्ट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है द आइडिया ऑफ गोइंग इनटू अ थिएटर एंड वॉचिंग अ फिल्म विद योर फैमिली या फ्रेंड्स. कॉलेज की यादें ताजा हो जाती है कि बंक मार के पिक्चर देखने जाते थे, तो वो फीलिंग दोबारा रिलिव करनी है. मैं वो उस जनरेशन की हूँ जब मैं ये रिलीव कर चुकी हूँ. जो अब के जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो बंक मार के पिक्चर देखने जाएं, बट आई होप कि वो घर पे बैठकर इसका लुत्फ उठाएं. बिल्कुल, जल्दी हम सब वापस पॉपकॉर्न लेके सिनेमा घरों में जाएंगे और ये आपकी अगली जो फिल्म आए आई होप कि हम बिग स्क्रीन पर देखें. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस. सो यस विक्रांत, अभी रिशु भैया बनके आप हमें मिलने आए थे और अभी इमीडिएटली संजय, तो ये जो दोनों अभी कैरेक्टर्स है एकदम यू नो इट इज लाइक हॉट पैनकेक्स, अभी अभी आए एंड दे आर सेलिंग लाइक हॉट बंस वैसे है. तो रिशु भैया से लेके अभी संजय, ये कैसे रहा है आपके लिए अभी, जब व्हाट आर द रिएक्शंस? काफी खुशी हो रही है. मैं थोड़ा सरियल है कि 2 हफ्ते के गैप में 2 फिल्में रिलीज हुई है, काफी अच्छा लग रहा है. और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वी आर लिविंग इन अनसर्टेन टाइम्स, पैंडेमिक चल रहा है और हम सब अपने अपने घरों में सीमित हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक पहुंच के अपनी कहानियां बता पा रहा हूँ और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा मतलब मुझे काफी सौभाग्य महसूस हो रहा है इस चीज का, काफी काफी खुशी हो रही है इस चीज की. अभी बहुत बातें हो गई, अभी एक छोटा सा सेगमेंट है जाते जाते ये खेलेंगे. 14 फेरे आया है मिलने हमें, तो 14 क्वेश्चंस है जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फन है एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. सो ईच ऑफ यू इज गोइंग टू यू नो रिप्लाई फॉर, मतलब कौन ज्यादा कर रहा है, इट्स लाइक अ रैपिड फायर बट इन अ 2-वे. ओके, करते हैं जी. यस, सो विक्रांत आणि कृती सोबत मी आता खेळते 14 प्रश्नांचा खेळ आणि हा खेळ खूप अमेझिंग असणार आहे कारण की ह्यांच्या तोंडून ही उत्तर ऐकायला तुम्हाला मजा येणार आहे. तर सुरू करूया. सो अगर सच में नकली शादी का नाटक करना पड़े तो आप में से कौन है जो ये करेगा? अगर दोनों अगर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर तो करेंगे. करेंगे. अगर रैगिंग की बात आए तो कौन सबसे ज्यादा रैग कर सकता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर आए. एंड विक्रांत इज अग्रीइंग टू इट. अगर इसको मैं छोटा गुंडा बोलता हूँ, ये छोटा सा गुंडा है. अगर चांस मिले लाइफ में तो कौन है जो 14 फेरे लेना चाहेगा, मतलब लेना पसंद करेगा? 14 फेरे मेरा रीजन ये है कि मेरा रीजन सिर्फ इतना है कि मुझे 2-2 बार सचने का मौका मिलेगा. आई वाज गोइंग टू कम देयर, मैं वहीं पे आने वाली थी. सेट पे कौन ज्यादा टाइम लेता था रेडी होने के लिए? ऑब्वियसली मीना. ओके ओके, हु इज अ स्लीपी हेड, कौन जिसको नींद प्यारी है? किट्टू. एवरीबॉडी एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू. आई नो दिस आंसर लेकिन फिर भी मुझे चाहिए इसका आंसर. देवांशु से सबसे करीब कौन है? दोनों. मैंने जो बिहाइंड द सीन्स देखा है उसमें ये पिक्चर का क्वाइट ऑपोजिट है, मतलब जो नहीं वो जो आपने देखा है ना उसमें आदिति ने ये भी बोला था कि पिक्चर खत्म होने से पहले दोनों को अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी आदिति नहीं हो गया है. यू आर सक्सेसफुल, मतलब आई थिंक नाउ आई कैन से दैट आई एम इक्वली क्लोज. ये दोनों एक्चुअली भाई बहन का रिश्ता है इन दोनों का. ये दोनों बहुत क्लोज है और जो आपने मेकिंग में देखा है वो हम इसे छेड़ने के लिए जान के करते थे. ओके ओके ओके. 2 into धमाल कौन है ज्यादा? कृति. Everything is Kriti, you are on fire. Yeah, yeah. और फिल्म में से कौन सा गाना एक दूसरे को डेडिकेट करना चाहेंगे कि ये गाना इनके लिए बना है?
हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले. ओहो नाइस. अगर ड्रामा हो, अगर शादी में ड्रामा हो, तो ये कौन है जो पहले भाग जाएगा, मतलब कृति. मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाती हूँ. सोशल मीडिया एडिक्ट कौन है? मतलब एडिक्ट दोनों में से कोई नहीं है. एडिक्ट तो दोनों नहीं है. ओके ओके. अगर संजय का कैरेक्टर कोई और करता विक्रांत के अलावा, तो आपके लिए वो कौन होता? और अगर अदिति का कैरेक्टर कोई और करता, तो आपके लिए कौन? मेरे लिए संजय और कोई हो ही नहीं सकता यार. ये ऑल मोमेंट है, मोड़ कैप्चर दिस. विक्रांत, संजय का कैरेक्टर अगर कोई और एक्टर मैं देख पाता, तो मेरे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरा मानना है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव, वो विक्की कौशल है. तो अगर अगर संजय का अगर कोई और एक्टर प्ले करता मेरे अलावा, तो मैं विक्की को देखना चाहता. आई एम श्योर विक्की, इफ यू वॉच दिस प्लीज सुनिए. ओके, उसी बहाने मेरा इंटरव्यू देख लेंगे विक्की. अगर एक दूसरे के साथ वापस काम करना है, मुझे जहां तक पता है विक्रांत वॉन्ट्स टू वर्क विद मी अगेन, तो दोनों करेंगे. प्रोवाइडेड द स्क्रिप्ट इज गुड इनफ. मतलब मुझे पता है फॉर अ फैक्ट दैट विक्रांत की जो एक्टिंग का कैलिबर है ना, उसको अगर मैच नहीं करता स्क्रिप्ट तो कोई पॉइंट नहीं है. बट लेकिन देन आई ऑल्सो वुडन्ट बी अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. तो हाँ, करती. Yes. बुक्कड़ कौन है आप दोनों में से ज्यादा? अगेन इस कृति. यस, और ये आखिरी क्वेश्चन है. जब भी लाइफ में आगे 14 फेरे का नाम आएगा, जब सामने आएगा, तो आपको कृति की कौन सी एक बात है जो हमेशा याद रहेगी? और आपको मतलब कृति, आपको विक्रांत की ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा याद रहेगी? ये कृति की एक चीज मुझे हमेशा याद, सिर्फ 14 फेरे फिल्म को लेके नहीं, वो फिल्म के जो एक्सपीरियंसेस ऑफ कैमरा भी रहे, वो ये है कि ये बहुत ही मदर इंस्टिंक्ट है इन रियल लाइफ में. शी लव्स टेकिंग केयर ऑफ पीपल. मतलब वो अपने आप को भी, मतलब विच इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब वो, बट ऑल्सो इट इज समथिंग दैट इज वेरी अडोरेबल. ये अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाल के सामने वाले को कम्फर्ट में डालना चाहती है ये. तो शी इज सच अ केयर टेकर ना, वो मतलब वो ममता इनमें इतनी भरी है कि ये कहीं ना कहीं शायद थोड़ा अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी, बट शी विल मेक श्योर दैट पीपल अराउंड हर आर कंफर्टेबल, आर फीलिंग इंपॉर्टेंट एंड लव. तो ये चीज बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, तो मैं हमेशा याद रखूंगी. कृति, यू आर टू स्वीट. हाँ, ये मुझे बोल भी चुका है, कहता है यार थोड़ा कम, मतलब अपना भी देख ले. मुझे विक्रांत और संजू दोनों का बचपना याद रहेगा. एंड आई थिंक वो एक चीज है ना जो किसी से, किसी के अंदर से जानी नहीं चाहिए. एंड आई नो टू अ सर्टेन डिग्री मैं वो प्रैक्टिस नहीं करती इतना, लेकिन मुझे कभी कभी जलन होती है जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो अपना बचपना जिंदा रखते हैं. एंड विक्रांत इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस पीपल. That's so good. और सच में बहुत कुछ हम लोग को बिहाइंड द सीन्स भी और आपके एक्चुअल लाइफ के बारे में भी पता चला. सो थैंक यू सो मच विक्रांत एंड कृति फॉर यू नो कनेक्टिंग विद अस. और लोकमत फिल्मीच्या प्रेक्षकांशी अशा गप्पा मारल्यासाठी खूप 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 आभार. जाता जाता प्रेक्षकांना सांगायचंय तुम्हाला की तुम्ही दोघं आम्हाला लोकमत फिल्मीवर भेटणार आहात. सो यू टू से की आम्हाला भेटा लोकमत फिल्मीवर लवकरच. आम्हाला भेटा लोकमत फिल्मीवर लास्ट का क्या था? लवकर. हा लवकरच आम्हाला लवकरच लोकमत, आम्हाला लवकरच लोकमत फिल्मीवर भेटू, भेटा तुम्ही. येस कृती. सॉरी यार, मेरे से नहीं बोला जा रहा. ओके ओके, एकदम इजी करा देती हूँ मैं. आम्हाला भेटा लोकमत फिल्मीवर. हमाला बेटला लोकमत फिल्मीवर. यस यस. सो यस, आई विल से इट अगेन. मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैं फिर से बोलता हूँ. हमाला बेटा लोकमत फिल्मीवर लवकरच. हाँ, अगर वो लवकरच आगे भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लवकरच लवकरच तो बहुत जल्दी ही मिलने वाले हम लोग. सो यस, थैंक यू सो मच विक्रांत एंड कृति. थैंक यू अशा पद्धतीने कनेक्ट करण्यासाठी.
ऐसा गप्पा मारण्यासाठी आणि तुम्हाला दोघांना खूप 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 शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट, पुन्हा भेटू. थँक्यू चित्राली, थँक्यू सो मच अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स अगेन अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड आय विल सी यू सून. येस येस, व्हेरी मच येस. ओके बाय, थँक्यू सो मच. बाय चित्राली, बाय, टेक केअर, ऑल द बेस्ट.